ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा शिवा द पार्ट वन कल रिलीज हो चुकी है यह फिल्म, और आज हम जानने वाले हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि वन डे के अंदर इस फिल्म ने टोटल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और अदर कंट्रीज में भी इसने टोटल कितना कलेक्शन किया, और फर्स्ट डे के अंदर यह कितना टोटल कलेक्शन नजर करते आने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज लास्ट तक बने रहना, और जो ये कलेक्शन है ना, ये बवाल कलेक्शन है, क्योंकि मैंने भी प्रिडिक्ट किया था और मेरा प्रिडिक्शन इतना ज्यादा सही होगा, मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप अपने फिल्म देख ली है या फिर इस फिल्म को देखने जाने वाले हो, क्योंकि यह फिल्म देखने लायक फिल्म है यार, मजा आ जाएगा, एक बार जाके जरूर देखना अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कल रिलीज हुई है ब्रह्मास्त्र, यानी कि 9 सितंबर को फ्राइडे के दिन, और आज है सैटरडे, और आज इसका कलेक्शन जो है वो कल के दिन के प्रति बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। बट हम जानते हैं कि भैया इस फिल्म ने टोटल स्क्रीन्स कितनी पाई है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया से जो इस फिल्म ने स्क्रीन पाई है वह पाई है आई थिंक 5019 स्क्रीन्स, वहीं अगर हम बात करें ओवरसीज में इस फिल्म ने 3913 स्क्रीन्स, और टोटल इसकी जो स्क्रीन्स होती हैं वह होती है 8933 स्क्रीन्स। जी हां दोस्तों, इतनी ज्यादा स्क्रीन्स पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में पाना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और उसी के स्क्रीन के साथ इस फिल्म ने कलेक्शन भी उतने ज्यादा बड़े लेवल का किया है। अगर मैं बता दूं आपको कि दोस्तों इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया से कितना कलेक्शन किया अदर कंट्रीज में, तो ऑस्ट्रेलिया से जो इसका कलेक्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2.18 करोड़ रुपए का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इतना ज्यादा कलेक्शन है। बता दूं अगर आपको यूएसए से इसका कलेक्शन, तो यूएसए से इस फिल्म ने टोटल अप्रॉक्सिमेटली 5.57 करोड़ का कलेक्शन किया है, जहां अगर अदर सीज के बारे में, अगर ओवरसीज में बात करें अदर कंट्रीज में, तो 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, 10-12 करोड़ के आसपास का कलेक्शन यह फिल्म करती फर्स्ट डे के अंदर हमें प्यारे तरीके से नजर आ रही है। बात करते हैं दोस्तों कि भैया इंडिया में इस फिल्म में कितना कलेक्शन किया, तो इंडिया में टोटल कलेक्शन मैं आपको बताऊं, जिसे बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि 35-40 करोड़ के आसपास का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यह फिल्म करेगी, वहीं इस फिल्म ने टोटल जो कलेक्शन किया है वो अप्रॉक्सिमेटली 43 करोड़ के आसपास का कलेक्शन यहां पे, मतलब इंडिया में ही किया है। अब मैं बता दूं आपको कि भैया इसने हिंदी में कितना कलेक्शन किया है, तो हिंदी का जो कलेक्शन निकल के आया है वो ओवरऑल कलेक्शन मैं आपको बता देना चाहता हूं, 37 करोड़ के आसपास का हिंदी कलेक्शन इस फिल्म ने किया है इंडिया से। वहीं अगर हम बात करें तेलुगु से इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे, तो वह था 4 करोड़ के आसपास। वहीं अगर हम कन्नड़, मलयालम और हमारी तमिल में बात करें, तो इन तीनों का अगर हम अप्रॉक्सिमेटली जोड़ दें तो लगभग 3-4 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और दिन प्रतिदिन अब इसके कलेक्शन हमें कुछ दिन तक तो बढ़ते आराम से नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम सब टोटल करते हैं तो हिंदी से हमारा टोटल कलेक्शन हो जाता है अप्रॉक्सिमेटली 43 करोड़ के आसपास का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से। वहीं अगर हम ओवरसीज को मिला दें, और ओवरसीज मिला के इस कलेक्शन को आराम से अब क्रॉस करते नजर आ रहा 55 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 55 करोड़ के आसपास ओवरसीज और इंक्लूडेड इंडिया आपको कलेक्शन इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है 55 करोड़ के आसपास यह फिल्म करती नजर आ रही है। जैसा कि हमने हर बार प्रेडिक्ट किया था कि ओवरसीज पे अगर ये गई और कलेक्शन की, तो 55-50 करोड़ के आसपास ये फिल्म कलेक्शन करती नजर आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बता दिया आपको कि इतना कलेक्शन इस फिल्म ने किया है, और इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इस फिल्म को देखने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, मर्जी आपकी है। बट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।